में शामिल हो जाए, क्या हम फिर जाए और हम स्टेज पर जाए और हमें माइक भी ना मिले, या इस बार हम ऐसा काम करके जाए कि जब हम स्टेज पर जाए तो हमें माइक भी मिले और हमारी पिट टॉप वन हो, ये हमें सोचना है। लेकिन अगर ये सोचना है, देखिए एक स्कूल में जो बच्चा टॉप करता है वो अपनी पढ़ाई की मेहनत कब शुरू करता होगा? शुरू से जोरदार ताली ढंग से। एक स्कूल में जो बच्चा टॉप करता है वो अपनी पढ़ाई की मेहनत शुरू से करता है, लेकिन उसी स्कूल में जो बच्चा फर्स्ट आता है वो कब शुरू करता होगा? हाँ जी, दो चार छह महीने पहले ही जाकर जब बोलेंगे तब उन्हें समझ में आएगा आप समझ कितना रहे। टॉप करने वाला कब शुरू करता है? शुरू से। लेकिन फर्स्ट आने वाला पेपर शुरू होने के दो चार महीने, सेकेंड आने वाला दो महीने पहले, थर्ड आने वाला एक महीने पहले, और पास होने वाला जो पेपरों में पढ़ाई करता है। हाँ जी, जो पेपरों के टाइम में पढ़ाई करता है वो पास हो जाता है, और फेल होने वाला वो करता ही नहीं। अब यही आप लोग कर, अगर 2019 के यूनिवर्सिटी में टॉप करना है तो अभी से शुरू हो जाओ, अगर फर्स्ट आना है तो अभी चार छह महीने इंतजार करो, बोलो अभी तो आए हैं कर लेंगे। अगर सेकंड आना है तो यूनिवर्सिटी आने के 3 महीने पहले शुरू होना, अगर थर्ड आना है 3 महीने पहले शुरू होना, कोई काम कर लेना और गिफ्ट उफ्ट मिल जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं होना फेल होना है तो कभी शुरू ही मत करो। सब आप लोगों के पास, लेकिन जिसको टॉप करना है उसे अभी से शुरू होना पड़ेगा, जिसे भी टॉप करना है उसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए, आज के दिन से होनी चाहिए। और जो आज से अपनी शुरुआत कर लेगा वही 2019 की यूनिवर्सिटी में स्टेज पर नजर आएगा, और जिसको 2022 की यूनिवर्सिटी में सबको पिछाड़ना है उसकी शुरुआत भी आज से होनी चाहिए, जिसको 2023 की यूनिवर्सिटी में सबको पिछाड़ना है उसकी शुरुआत भी आज से, और जिसको 2025 में नंबर वन बनना है उसकी शुरुआत भी आज से। और जिसकी जितनी बड़ी तैयारी होती है उसी के गले में माला उतनी भारी होती है। यस, और
चार के बाद मिलेगा 500। हाँ जी, तो जुलाई में फिर गिफ्ट मिलेगा, और जुलाई फिर पहला, अगस्त फिर दूसरा, सितंबर तीसरा, अक्टूबर चौथा, नवंबर में फिर गिफ्ट मिलेगा। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर चार महीने के बाद इतने गिफ्ट बांटे जाए, इतने गिफ्ट बांटे जाए, इतने गिफ्ट बांटे जाए कि सबसे ज्यादा गिफ्ट बांटने वाली कंपनी जेएमपीडी हो। यस। घर गिफ्टों से बढ़े। अब देखिए, इसमें आप लोगों को सोचना है कि अब आप कौन सा गिफ्ट लेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुकेश जी सबका नाम लिखे, एक एक व्यक्ति का नाम लिखिए। सीता जी से शुरू करते हैं। सीता जी, पिछली बार आपको कौन सा गिफ्ट मिला था? आयरन ब्रश मिला है ना। इस बार कौन सा गिफ्ट लेना चाहती है सीता जी? आप सर एलसीडी। एलसीडी लिखिए, सीता जी एलसीडी। आप इसमें से आप कौन सा गिफ्ट लेना चाहते हैं सोचिए। चलिए मैं लौट के सबके पास से आ रहा हूं, तो सोच लीजिए। गुरमीत जी आप LCD कौन सी वाली, स्मार्ट वाली या ये वाली ऊपर वाली 32 इंच की? लिखिए गुरमीत जी LCD। LED मत बोलिए। LED आप लेदर बैग लिखिए, लेदर बैग। रमन जी धन सिंह जी LED 32 इंच धन सिंह जी का लिखिए LED 32 इंच 20,000। लक्ष्मी जी LED 32 इंच 20,000 वाला LED 32 इंच। पूजा जी हाँ जी, मेरा भी सर वही है LED 32 इंच 20,000। LED 32 ठीक है। आप साधना जी मेरा सर ये जो मेरा पार्टनर हो ये भी मेरा दी हुई LED 32 मेरा पार्टनर हो ये मैं तो आप पार्टनर लेकिन LED तो एक ही मिलेगी। LED एक ही मिलेगी या दोनों लोग अगर 20-20 कर दोगे तो दो दिला दूंगा। Yes. 20 लेकर एक हिसाब करो तो दोनों दिला दूंगा, एक आपकी एक आपकी, ठीक है ना। और पूनम जी हाँ मिक्सी 5,000 थर्ड। अब आप बताइए लिखिए मिक्सर ग्राइंडर हो गया ठीक है, बैठ जाए। अब मैं आपको इसको पूरा करने का तरीका बताता हूँ, कैसे पूरा होगा, चिंता मत कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें से आप हर गिफ्ट ले सकते हैं। आपको कंपनी ने ये नहीं कहा है कि ये बिजनेस पैदों में आपकी सिर्फ खरीदारी से होना चाहिए, ये तो नहीं कहा है, ये टर्नओवर होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए आपका टर्नओवर कब होता है? आपका सेल्फ टर्नओवर कब होता है? जब आप तब होता है। Yes. पहला। दूसरा कब होता है? जब किसी को तो जब रिटेल करते हैं तब होता है। तीसरा कब होता है? जब आप किसी की
तीन रास्ते हैं आपका सेल्फ परचेज बढ़ाने के। यस, आपके अपने घर की खरीदारी कितनी होती है जेब में कम से कम? और लोगों की 3000 से ऊपर। 3000 बीवी तो आपके अपनी आईडी पे हो गए। हेलो, आप डेली अगर 500 बीवी का रिटेल करने की आदत डालें कि मैं 500 बिजनेस मैनों का कोई प्रोडक्ट रिटेल करूंगी, इतने अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं जेएमबीडी में, तो महीने में 15,000 बिजनेस वैल्यू तो आपका यहां से आए रिटेल से। अगर एक आदत डाले कि बिना 500 बीवी का रिटेल किए हम घर नहीं आए, रोज रात में और सुबह में सोचेंगे कि आज हम किसको 500 बीवी का रिटेल करें। और अगर एक आदत और डाल दें रोज एक या दो किट फिट करने की, तो क्या होगा? अगर रोज आप एक किट भी फिट कर रहे हैं तो महीने में 30,000। और अगर रोज दो किट फिट कर रहे हैं 60,000 की भी यहां से टोटल बीवी की अगर आप कैलकुलेशन करें 60,000, 15, 75,000, 378,000, मोटा मोटा इसे 80,000 का 80,000 का अभी लॉन्च नहीं हुआ है, एक बहुत धमाकेदार होगा, इस पर अभी सोचा जा रहा है। अब इतना समझ लो इससे तो बड़ा ही होगा। तो जो बैग आप लोग रखो उसमें किट तो हो लेकिन कुछ रिटेलिंग
जेल हो गया, विश्वास हो गया, कुछ भी ऐसा आप लोग रखें। और सर ये जिम्मेदारी है, देखो इस बार आप कंपनी गए एनओसी देकर आए, बहुत कम कम लोगों को बुलाया गया, कर्नाटक की टीम को नहीं बुलाया गया, दूर दूर की टीमों को ज्यादा नहीं बुलाया गया, जम्मू जितने भी दूर के लोग थे वहां के केवल लीडर को बुलाया गया, केवल 500-1000 किलोमीटर के अंदर के लोगों को बुलाया गया। कितनी भीड़ थी, तो आप ये समझ लो कि आप करोगे तो अपने लिए करोगे और नहीं करोगे अपने लिए। जेपीडी का कुछ रुकने वाला नहीं, लेकिन आपको परमात्मा ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, इसलिए जिम्मेदारी लो, इसको अपने तरीके से ना करो, इसको सही तरीके से करो। और सही तरीके का मतलब होता है जेपीडी करने का कि सुबह 7 बजे आपका घर छोड़ जाना चाहिए। सही तरीका नेटवर्किंग का यह है कि सुबह 7 बजे आप अपना घर छोड़ो और रात में 11 बजे से पहले आप अपने घर में ना घुसो। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो, अगर आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हो, देखो होता क्या है मैडम, आप अगर कुछ बंद नहीं हो कोई भी उपद्रव नहीं है, आपको कितने बजे घर छोड़ देना चाहिए? 7 बजे घर छोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है? जितने नौकरी करने वाले लोग हैं ये 9-10 बजे निकलते हैं, तो अगर आप 7 बजे निकल गई तो आपको बहुत सारे लोग घर में मिल जाएंगे, समझ में आ गया। और 11 बजे घर में घुसने का रीजन क्या है? लोग 9-10 बजे सर्विस से आते हैं, तो अगर आप 11-12 बजे तक फील्ड में रहोगे तो कुछ लोग शाम को आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप नौकरी करते हो तो आप रोज 9 बजे अपना घर छोड़ते हो, अगर आपको जेपीडी करना है और अगले 6 महीने 1 साल में नौकरी छोड़ना है तो आप 1 साल 2 घंटे पहले घर से निकलो, 7 बजे निकलो, 1-2 लोगों से मिलो, उन्हें प्लांट दिखाओ, किट दिखाओ, रिपेयरिंग करो और वहीं से अपने नौकरी पे चले जाओ या अपनी दुकान पे चले जाओ। और जब तुम्हारी छुट्टी हो तो छुट्टी होने के बाद, अभी तक आप अपने घर आते थे, अब 1-2 साल आप अपने घर ना हो, अपना एक बैग लिए रहो, उसमें से टाई निकालो, कपड़ा ऐसे पहन के जाओ कि उसी पर टाई लगा सको और वहीं से आप फील्ड में चले। आप मुझे बताइए, हम लोग 1000-2000-4000 रुपया कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, यहाँ करोड़ों कमाने के लिए क्या थोड़ा ओवर टाइम नहीं कर सकते बताइए? और यहाँ तो पूरी जिंदगी नहीं कर रहे। अब अगर हम ड्यूटी से घर आएंगे फिर टाई लगाएंगे फिर मार्केट में जाएंगे तो हमारा आने जाने का आधा घंटा उसी में चला जाएगा। दूसरी बात, घर में जाने पता नहीं कौन रोक ले, जाएंगे नहीं तो कोई रोकेगा ही नहीं, ये तरीका है। और बाद में हमारा यही तरीका हमारी कहानी है, फिर हमारे बिजनेस में जो बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग आएंगे, भाई तुरंत तो सब फुल टाइम नहीं आएंगे ना, तुरंत सब फुल टाइम नहीं आएंगे, तो जब हम इसको इस तरीके से किए रहेंगे तभी तो हमने बताएंगे कि भैया तेरी तरह हम भी नौकरी करते थे लेकिन हम 7 बजे घर को छोड़ देते थे, फिर नौकरी करने जाते थे, फिर शाम को आते थे, फिर घर नहीं जाते थे, देख आज तेरे सामने खड़ा हूँ, नौकरी नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ। ये हम कब बताएंगे? जब हम ऐसा किए रहे। थोड़ा जल्दी उठ जाओ, आप मुझे एक चीज बताओ, आप रोज 7 बजे उठते हो, अगर कल से 5 बजे उठने की आदत डालो तो क्या भूकंप पाएगा? धरती फट जाएगी? नहीं सर, कुछ नहीं होगा ना। आदत डालो, सुबह उठकर जब ब्रश कर रहे हो कोई वीडियो चला दो उसे सुनने की आदत डालो, दिमाग फ्रेश हो जाए।
कुछ काम आपको डेली करने हैं, जैसे अपनी लाइफ में कुछ काम आप डेली करते हैं। क्या क्या करते हैं डेली? नहाना, ब्रश करना, फ्रेश होना, पानी पीना, खाना खाना, अब खाने में चाहे जो खाओ लेकिन खाना, ये चार पांच काम आपके डेली है। या इसमें कुछ में कम ज्यादा हो सकता है? नहीं सकता है। अगर पांचों में से अगर मैं एक भी काम रोकूं तो चलेगा? नहीं सकता। दो रोकूं तो? नहीं सकता। तीन रोकूं तो? नहीं सकता। चार रोकूं? ये पांचों बहुत जरूरी है ना। ऐसे नेटवर्किंग में भी डेली चार पांच काम करने आपको बहुत जरूरी है। पहला काम दिमाग को मोटिवेट करना, तो कुछ ऐसी वीडियो पढ़ना, सुनना, देखना या किताब पढ़ना जिससे दिमाग मोटिवेट हो। सुबह शाम ये करना है, घर से निकलते समय दिमाग को मोटिवेट कर लो और घर में घुसते समय, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? रोज प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो कल परसों नर्सों प्रोस्पेक्टिंग की थी उसकी ज्वाइनिंग तो हमने करा ली, अब अगर हम नई प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो आगे ज्वाइनिंग कैसे होगी? तो डेली प्रोस्पेक्टिंग करना भी फॉलो अप, जिनको हमने प्रोस्पेक्टिंग किया है उनका फॉलो अप करके उनको ज्वाइन कराना। तो डेली तीसरा काम क्या है? फॉलो अप। किसका फॉलो अप? जिसको ज्वाइन कराना है, समझ में आ रहा है। चौथा फॉलो अप, जो ज्वाइन हो चुके हैं उन्हें लीडर बनाना है या उन्हें खरीदार बनाना है। तो चौथा लोगों को और पांचवा शाम को रिकॉर्ड बनाना कि इस महीने का मेरा क्या टारगेट था, आज मैंने कितना काम किया, मेरी टीम ने कितना काम किया, कल मेरा कहां कहां है, सारा पेपर वर्क रात में तैयार करके रिकॉर्ड बना के तब सोना और सुबह उठकर जो रात में प्लानिंग की है उसी के हिसाब से दिन भर काम करना। ये पांच काम आप नेटवर्किंग में शुरू करें और रोज रात को सोचें, क्या आज मैंने 2019 की एनिवर्सरी को ध्यान में रखकर मेहनत की है? समय ज्यादा हो रहा है, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हर शनिवार की मीटिंग इसलिए रखी जाती है कि यहाँ आप अकेले ना आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। मैं बार बार कह रहा हूं हर शनिवार 7 बजे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये तभी ला पाएंगे जब रोज प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, फॉलो अप करेंगे, हर दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, उन्हें पूरा प्लान दिखाएंगे, तब उन्हें शनिवार की मीटिंग प्रमोट करके यहाँ लेकर आ पाएंगे। अकेले मत आए, लोगों को लेकर। तो आज की मीटिंग में यही खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अगले शनिवार मिलेंगे आप लोगों से, लेकिन फिर हाँ एक मिनट बाद, 6-7 दिन बचे हैं, टारगेट पूरा करना है। अगर आपने इस एलईडी को लेना है तो अपनी आईडी में 20,000 करना ही करना है, और इसको करने का अच्छा तरीका है किट लेकर करें। 20,000 की आप 20 किटें लेने का तैयारी करें, भले ही उसमें आपका 28,000 रुपया लगे, लेकिन जब वो 20,000 की आप 20 किटें लेंगी तो अगले महीने उसे आप बेचकर 20 नई टीम भी तैयार करें, समझ में आ रहा है। और ऐसा भी कर सकती हैं कि इतना किट लूंगी, इतना और सामान ले लूंगी, इसको हम रिटेल कर देते हैं, मेरा कौन सुझाव है, बाकी जो आपकी मर्जी कहे वो आप ले लें, क्योंकि इस महीने समय कम है और रोज रिटेलिंग करने की जिम्मेदारी ले। एक फिल्म का हर कलाकार जिम्मेदारी लेता है ना कि ये मेरा रोल है इसे मैं करूंगा। हेलो, समझ में आ रहा है। 2 मिनट बैठ जाए, एक बात और बताना चाहता हूँ 2019 की ही, कि देखिए 2019 में आप सारे लोग रॉयल्टी अचीवर बन के कैसे जाओगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां सबसे ऊपर है सीता जी, साधना जी,
तजुर्बे हम और उनके जी किस लेवल पे जाएंगे जी, और उसकी तैयारी जब आज से करेंगे तब जा। और अब क्या करना है, अब आपको सोचना है कि इस टीम में हम किसको किसको रोहिणी बना सकते हैं, किसको 8% बना सकते हैं, किसको फैमिली सिक्योरिटी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने नीचे फैमिली सिक्योरिटी पैदा कर दिया तो आप अपने आप इमरान और इशार इमरान हो जाओगे, फैमिली सिक्योरिटी वैसी आ जाएगी। और अगर इसके लिए क्या करना है, ये सीता जी लक्ष्मी जी गुरमीत जी धन जी, हर आदमी की कितनी लाइन है, दो दो लाइन। आपको अगर रॉयल्टी अचीवर बन के जाओगे तभी स्टेज मिलेगा, रॉयल्टी से नीचे जाओगे तो स्टेज नहीं मिलेगा। और अगर 8% रॉयल्टी अचीवर बन के जाओगे तभी माइक मिलेगा, 8% से नीचे जाओगे तो स्टेज तो मिल जाएगा, माइक नहीं मिलेगा। और अगर आपको 2% रॉयल्टी अचीवर बन के जाना है तो आपकी एक लाइन में 3.5 लाख होना चाहिए और एक में 80। लेकिन अगर आपको 8% रॉयल्टी अचीवर बनना है तो आपकी एक लाइन में 3.5 लाख होना चाहिए और दूसरी लाइन में भी 3.5 लाख होना चाहिए। एक लाइन में भी 3.5 लाख दी थी और दूसरी लाइन में भी 3.5 लाख दी थी। अब ये 3.5 लाख बीबी 3.5 लाख बीबी करने के तरीके क्या है, या तो आप लोग अपनी दोनों लाइनों में 350-350 लोग जोड़ लो, 350 और ये 350 लोग 1250 बीबी का हर महीने खरीदारी करें। तो अगर 350 लोग 1250 बीबी की खरीदारी हर महीने कर रहे हैं तो आपका इधर लगभग 4 लाख से ज्यादा बिजनेस हो गया। और इधर भी अगर 350 लोग आपके हो गए, वो भी 1250 की खरीदारी हर महीने कर रहे हैं, तो 4 लाख से ज्यादा बिजनेस उधर भी हो गया। तो आप क्या बन गए, 8% रॉयल्टी। तो आप अच्छा, उन लोगों को भी क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगी खरीदारी फ्री में जाएगी, तो या तो 700 ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग कराओ और हर महीने उनको 1250 रुपए का खरीदारी कराओ ताकि उनको प्रेस मिल सके। दूसरा रास्ता क्या है, अपनी टीम में केवल 35 लोग इधर ऐसे पैदा करो और 35 लोग इधर ऐसे पैदा करो जो हर महीने 10,000 बीपी आपको दे दें, तो भी 3.5 लाख होगा। 10,000 बीपी पे उनको ट्रिपल बैग मिलेगा। और अपनी आईडी पर बिजनेस वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ज्वाइनिंग करो, किड फिट करो। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दोस्तों, खुलकर काम करो क्योंकि खुलकर पैसा आने वाला है, खुलकर गिफ्ट मिलने वाला है, खुलकर सम्मान मिलने वाला है, सब कुछ खुलकर मिलने वाला है, इसलिए काम भी खुलकर। आज मैंने जल्दी में बताया कि दोनों लाइनों में, और इसलिए आप जितने भी इस लाइन के साथी हो सब अपनी ज्वाइनिंग केवल दूसरी लाइन में मत लगाओ, क्योंकि कितने नए लोग लेकर आएंगे सतीश जी और मुकेश जी यहाँ लगाने के लिए। दूसरी बात, अगर आप सारे लोग अपनी सारी ज्वाइनिंग अपने बीकर में लगा रहे हो तो एक दिन आपकी भी ये लाइन रुक जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों लाइनों में काम कर रहे हो तो आपके लोग भी दोनों लाइनों में काम करेंगे और आपकी टीम कभी कम होने वाली नहीं। तो सतीश जी और मुकेश जी क्या करें कि इन लोगों से भी कुछ ज्वाइनिंग लेकर हर महीने इसको बढ़ाते रहें जी, प्लस इनकी दूसरी लाइन भी चलाते रहें और ये देखें कि इसमें से कौन व्यक्ति मार्च में रॉयल्टी बन सकता है। जो लोग मार्च में रॉयल्टी बन सकते हैं उनके साथ लगकर मार्च में उनकी रॉयल्टी फरवरी में निकल आए, इस तरीके से मेहनत करना है जी। कौन व्यक्ति मार्च के बाद जो जुलाई का कार्यक्रम होगा उसमें रॉयल्टी बन सकता है, कौन सा व्यक्ति सितंबर में रॉयल्टी बन सकता है। अगर ये तीन जो बड़े बड़े सेमिनार हम लोग करेंगे इसमें हमने एक बड़ा अचीवमेंट निकाल दिया तो आपका बिजनेस अपने आप छलांग मार देगा। यस, ठीक है दोस्तों। तो निकले यहां से जोश के साथ, हमेशा एक चीज याद रखना, एक एक दिन मार्च के भी सेमिनार में कम हो रहा है और एक एक दिन 2000
इसलिए कि सेमिनार एडवर्सरी में कम हो रहा है। और अगर आपने दिल से मेहनत नहीं की तो फिर कुर्सी में बैठ के पछताओगे, रोओगे और स्टेज पर लोग नजर आएंगे जिन्होंने रोज सही से मेहनत की होगी। थैंक यू।